नमस्कार, इस टीवी पर इस समय के मुख्य समाचार इस प्रकार से हैं। सीआरएस ने रेलवे लाइन विद्युतीकरण के निरीक्षण के बाद बिजली से चलने वाली ट्रेन को चलाने की दी अनुमति। रेलवे विभाग तैनात उच्च अधिकारी सीआरएस शैलेश कुमार पाठक अधिकारियों व कर्मचारियों के काफिले के साथ कलायत रेलवे स्टेशन के पास उस स्थल पर पहुँचे जहाँ पर विद्युत नियंत्रण कक्ष बनाया गया था। सीआरएस पाठक ने सबसे पहले रिबन काट कर इसका विधिवत तौर पर शुभारम्भ, तत्पश्चात इस कार्य को करवा रहे अमले से बारीकी से जानकारी ली। It can commence today also, from today evening. they will plan the at least passenger train on electric traction from tomorrow or day after tomorrow. But from my side, outstanding work has been done. काम बहुत सुंदर हुआ है, मैं 100 में 100। ट्रेन की समस्या है यहाँ जयपुर वाली। देखो, हम तुम्हारे कंसर्न को हम बता देंगे रेल मंत्रालय में, बट हम आदेश नहीं दे सकते या हम आपको दिलासा नहीं दे सकते। हम आपने जो अभी रिप्रेजेंट किया है, मैं हाईएस्ट मैंने सीआरबी को जाके मैं बता दूंगा, चेयरमैन रेलवे बोर्ड को। फिर वो तो बेस्ड ऑन आपके एमपी की डिमांड होती है, फिर ये जोनल रेलवे में जाता है, जोनल रेलवे रिकमेंड करता है, तब बोर्ड में जाता है। तो उसमें हर जगह चेंज करना पड़ेगा, आपको बड़ौदा हाउस में भी जाना पड़ेगा लेकर के, और फिर बड़ौदा हाउस से रिकमेंडेशन करा के वो आपके माननीय सांसद महोदय करा। हमने पहले कलायत से हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था। 1.5 महीने 45 दिन में बहुत काम होगा, तभी आप जाके बैठ जाइए रेलवे बोर्ड में, यहाँ के जो सांसद वगैरह हैं उनको आप बिठा दीजिए वहाँ पे। तो अभी रेल मंत्रालय बहुत काम करने जा रहा है, जो जैसे छोटी छोटी मांगे हैं ना, वो पूरा करने की कोशिश कर रहा है वो लोग। उन्होंने कहा कि ये लाइन स्टार्ट कर दी है, क्षेत्रवासियों को बहुत बड़ी सौगात मिली है, तय समय से बहुत जल्दी समय से पहुंच सकेंगे। कम से कम कुरुक्षेत्र जाने में जो टाइम लगता था उसमें 30-35 मिनट कम डिफरेंस रहेगा। और आमजन ने मांग भी रखी है कि जो जयपुर वाली ट्रेन है उसका कलायत में ठहराव किया जाए ताकि आमजन आसानी से जयपुर पहुंच सके। कलायत से रणदीप धानिया की रिपोर्ट। समय समय पर ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए यस टीवी।